वेलकम टू टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप है टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित, स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 30 में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 29 में हम बात कर रहे थे इंटरमीडिएट कीज के अंतर्गत बैकस्लैश की के बारे में। हमने जाना कि बैक स्लैश की का क्या और कहां प्रयोग है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 30, जिसमें हम बात करेंगे बैकस्पेस की, इंसर्ट की और डिलीट की के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताऊंगा बैकस्पेस की के बारे में और उसके बाद डिलीट की के बारे में और सबसे अंत में इंसर्ट की के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बैकस्पेस की बात करते हैं। बैकस्पेस की मुख्य रूप से दो कामों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एक प्रयोग इसका एडिटिंग के समय किया जाता है, टेक्स्ट एडिटिंग के समय हम इसका प्रयोग करते हैं। कहीं भी जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो उस समय ये काम आता है। और दूसरा इसका काम फाइल एक्सप्लोरर यानी दिस पीसी में होता है। तो एक एक करके हम दोनों प्रयोग जानते हैं, समझते हैं कि क्या है। टेक्स्ट एडिटिंग में इसका प्रयोग देखने के लिए मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूं। इसके लिए मैं विंडोज आर प्रेस करूंगा, विंडोज की को प्रेस करके रखता हूं और साथ में आर प्रेस करता हूं। Run dialog, type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open combo box collapsed, edit alt plus O selected videos. यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ notepad, notepad. Enter press करता हूँ. Text on desktop list, untitled notepad, rich edit control document blank. यहाँ पे notepad open हो चुका है,
तो बैकस्पेस का यूज समझने के लिए मैं यहाँ पे कोई वर्ड टाइप कर लेता हूँ। मैंने अपना नाम टाइप कर लिया यहाँ पे, अमित। बैकस्पेस की का काम क्या है कि जिस कैरेक्टर के आगे आपका कर्सर होगा, जैसे अभी मेरा कर्सर टी के आगे है, तो जैसे ही मैं बैकस्पेस प्रेस करूंगा तो टी मिट जाएगा। तो जिस कैरेक्टर के आगे आपका कर्सर होगा, बैकस्पेस प्रेस करने पे वो कैरेक्टर मिट जाएगा। टेक्स्ट एडिटिंग के दौरान आप चाहे कहीं पे भी हो, नोटपैड, वर्डपैड, एमएस ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके अलावा आप कुछ भी यूज करते हो, तो वहां पे ये काम करेगा। एग्जांपल के लिए मैं अपना कर्सर ए के आगे रखता हूँ, यानी ए के बाद क्या है, एम। तो मैं एम पे अपना कर्सर रखूँगा और बैकस्पेस करूँगा तो आप सुनेंगे कि ए मिट जाएगा। मैं लेफ्ट एरो करता हूँ, मैं एम पे कर्सर ला चुका हूँ अभी, और यहाँ पे मैं बैकस्पेस प्रेस करता हूँ। आपने सुना ए, तो जो यहाँ पे ए लिखा होता वो मिट चुका है। अब मैं लेफ्ट एरो प्रेस करता हूँ, M. मैं जब भी लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो M सुनाई दे रहा है, क्योंकि M से पहले जो A था वो मिट चुका है। अब इसी प्रकार से मैं I को मिटाना चाहता हूँ, तो I को मिटाने के लिए मेरा कर्सर T पे होना चाहिए, क्योंकि I के बाद क्या है, T। तो मैं राइट एरो से T पे कर्सर ले जाता हूँ, और यहाँ पे मैं बैकस्पेस प्रेस करता हूँ और आई मिट जाएगा। आई। तो टेक्स्ट एडिटिंग में कहीं भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रयोग इसका और भी है टेक्स्ट एडिटिंग में ही, आप टेक्स्ट सेलेक्ट करके सिलेक्शन कमांड के थ्रू, जिसकी चर्चा हम विस्तार पूर्वक बाद में करेंगे कि सिलेक्शन कमांड कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं, क्योंकि अभी हम एडिटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बैकस्पेस की बात कर रहे हैं। तो जो लोग एडिटिंग जानते हैं वो इसे समझ पाएंगे कि जब भी हम कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट करके, जैसे आपने एक पेज टाइप किया है, उसमें आपने एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया और वहाँ पे आप बैकस्पेस की प्रेस करेंगे, तो जितना सेलेक्ट हुआ है वो मिट जाएगा। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप इसका प्रयोग बैकस्पेस के थ्रू ना करें, इसका प्रयोग किस की के थ्रू करें वो मैं आगे आपको बताऊँगा। बैकस्पेस के थ्रू ना करें मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिलीट होने के साथ साथ आपका कर्सर, ये भी हो सकता है कि आपने बीच में एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया है और जो सेलेक्ट किया है आपने पैराग्राफ, उससे पहले का जो पैराग्राफ है बैकस्पेस प्रेस करने पे, क्योंकि आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है एक बीच में पैराग्राफ, और बैकस्पेस जब आप प्रेस करेंगे तो जो पिछला पैराग्राफ है उसका एक कैरेक्टर मिट जाए, क्योंकि इसका काम जो है वो अपना काम ये करेगा। इस बात को हो सकता है कि अभी आप ठीक से ना समझ पा रहे हों, जो लोग टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में हम विस्तार पूर्वक जब बात करेंगे तो ये बातें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप सबको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके बैकस्पेस की प्रेस ना करें सिलेक्शन टेक्स्ट को मिटाने के लिए, है ना, वो मैं आगे बताऊंगा कि किस की से करना है आपको। तो ये हो गया एक यूज
बैकस्पेस की का। और उम्मीद है कि आज आपने इसे अच्छे से समझा होगा। मैं नोटपैड को क्लोज करता हूँ। नोटपैड डायलॉग डेस्कटॉप। और अब हम चलते हैं दिस पीसी यानी फाइल एक्सप्लोरर में, और वहाँ पे हम देखते हैं कि बैकस्पेस का क्या यूज है। दिस पीसी चेकबॉक्स चेक 2 ऑफ 21 फाइल एक्सप्लोरर दिस पीसी आइटम्स व्यू लिस्ट फोल्डर्स ग्रुपिंग एक्सपेंडेड डेस्कटॉप नॉट सिलेक्टेड नॉट चेक 1 ऑफ 8। डेस्कटॉप पे दिस पीसी का शॉर्टकट मेरे पास बना हुआ है, मैं वहाँ पे जाके मैंने एंटर प्रेस किया तो ये दिस पीसी ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं किसी फोल्डर में चलता हूँ तो L devices and drives grouping expanded library D check date of 8 D colon में आ चुका हूँ मैं। L प्रेस किया मैंने लाइब्रेरी नाम से, D colon बना हुआ यहाँ पे, एंटर प्रेस करता हूँ। items view list for backup which not selected not checked 1 of 24 M प्रेस करता हूँ। m.tmp check m music store check 7 of 24 music store आया है यहाँ पे, एंटर प्रेस करता हूँ। items view list best collections of amid not selected not checked 1 of 26 space करता हूँ, first folder select हो जाएगा, space selected checked, एंटर करता हूँ। items view list amidst poetry not selected not checked 1 of 15 space selected checked space किया, ये select हो चुका है। अब इसके अंदर भी हम चलते हैं, एंटर करता हूँ। items view list 01 dot docs not selected not checked 1 of 11 आपने देखा कि मैं सबसे पहले दिस पीसी में आया, दिस पीसी के बाद मैंने एल प्रेस किया तो लाइब्रेरी नाम से डी कॉलन जो मेरा बना हुआ है वो आया, उस पर मैंने एंटर प्रेस किया तो मैं उसके अंदर आ गया। उसके बाद फिर जब मैंने एम प्रेस किया दो बार तो म्यूज़िक लाइब्रेरी नाम से एक फोल्डर है तो वो आया, उस पर मैंने एंटर प्रेस किया। फर्स्ट फोल्डर जो है वो अमित कलेक्शन के नाम से है, कलेक्शन ऑफ अमित के नाम से, तो वहाँ पे मैंने स्पेस प्रेस किया, वहाँ पे एंटर करके मैं इस फोल्डर में आ गया। और उसके बाद जो फर्स्ट फोल्डर आपको सुनाई दिया वो अमित पोएट्री के नाम से, यहाँ पे मैंने स्पेस किया और एंटर किया मैंने। तो इतने फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक आपने अभी देखा। अब मैं यदि एक एक करके बाहर जाना चाहूँ या मैं ये चाहता हूँ कि मैं अमित पोएट्री वाले फोल्डर के अंदर हूँ, अभी मैं इस फोल्डर के बाहर जाना चाहता हूँ लेकिन सिर्फ इस फोल्डर के बाहर जाना चाहता हूँ, मैं पूरा क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, इस पूरे जो फाइल एक्सप्लोरर है उसको क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं बैकस्पेस की प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं बैकस्पेस की प्रेस करूँगा तो वहाँ पे एक बार जो है वो बैक चला जाऊंगा, जिस फोल्डर में होऊंगा उस फोल्डर से बाहर। तो अभी अमित पोएट्री के अंदर हूं, मैं बैकस्पेस करता हूं एक बार। आइटम्स व्यू लिस्ट अमित पोएट्री चेक 1 ऑफ 15। तो आपने सुना कि अब वापस फोल्डर अमित पोएट्री पे आ चुका है, यानी अमित पोएट्री के ऊपर मेरा कर्सर है, इसके ऊपर एंटर प्रेस करूंगा तो दोबारा से इसके अंदर चला जाऊंगा। अब मुझे अमित पोएट्री के बाहर जाना है तो फिर से एक बार बैकस्पेस प्रेस करूंगा। items view list best collections of amit check 1 of 26 best collections of amit नाम से फोल्डर जो था वहां पे मेरा कर्सर आ चुका है। फिर से एक बार मुझे यदि बैक जाना है तो फिर से एक बार बैकस्पेस प्रेस करूंगा। items view list music store check 7 of 24 तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे-जैसे मैं अंदर गया था ठीक वैसे ही मैं बाहर एक-एक करके आ पा रहा हूं बैकस्पेस की से। तो इसका मतलब ये है कि बैकस्पेस की का यूज फाइल एक्सप्लोरर में बैक आने के लिए है, किसी भी फोल्डर से वन स्टेप बैक आने के लिए हम यूज करते हैं बैकस्पेस की का। तो उम्मीद करता हूं कि इसे भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डिलीट की की। डिलीट की का यूज़ ठीक वैसे ही आपको देखने को मिलेगा जैसे हमने बैकस्पेस के दो जगह यूज़ देखें,
एक टेक्स्ट एडिटिंग के टाइम और दूसरा फाइल एक्सप्लोरर में। तो डिलीट की का यूज़ भी दो जगह पे है, मुख्य रूप से एक टेक्स्ट एडिटिंग के टाइम में और दूसरा फाइल एक्सप्लोरर में। तो टेक्स्ट एडिटिंग को देखने के लिए हम फिर से नोटपैड ओपन करते हैं। मैं विंडोज़ आर प्रेस करता हूँ, विंडोज़ को प्रेस करके रखूँगा और साथ में आर प्रेस करूँगा। रन डायलॉग टाइप द नेम और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ नोटपैड NOTEPAD। एंटर करता हूँ। टेक्स्ट ऑन द डेस्क अनटाइटल्ड नोटपैड रिच एडिट कंट्रोल डॉक्यूमेंट ब्लैंक। यहाँ से हम देखते हैं कि इसका क्या यूज है। तो मैं टाइप करता हूँ कुछ MIT। मैंने फिर से अपना नाम टाइप कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिलीट की का क्या यूज है, जिस कैरेक्टर पे हमारा कर्सर होगा वहां पे जब आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो वही कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यदि मेरा कर्सर ए पे होता है और मैं वहाँ पे डिलीट की प्रेस करूँगा तो ए डिलीट हो जाएगा। तो मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूँ कर्सर ए पे ले जाने के लिए TIMA और यहाँ पे मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ तो ए जब डिलीट हो जाएगा तो आप सुनेंगे M, ये बोलेगा M, यानी ए डिलीट हो गया है और M पे कर्सर आ चुका है। मैं यहाँ पे डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ M, आपने सुना M, यानी A यहाँ से मिट चुका है। अब यहाँ पे मैं लेफ्ट एरो प्रेस करता हूँ तो आप सुनेंगे कि A यहाँ पे नहीं है M, M। मैं जब लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो बोल रहा है M, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर M है, A के बाद M रह गया है। अब मैं राइट एरो प्रेस करता हूँ आई, अब I को डिलीट करते हैं तो I के बाद T है। जैसे ही मैं डिलीट की प्रेस करूँगा यहाँ पे आप सुनेंगे T, क्योंकि I डिलीट हो जाएगा और हमारा कर्सर T पे चला जाएगा T। अब देखते हैं कौन कौन सा कैरेक्टर रह गया है। मैं लेफ्ट एरो करता हूँ M, M और राइट एरो T, T। A और I डिलीट हो चुका है। तो आप ये भी अच्छे से समझ पाए होंगे कि डिलीट की का टेक्स्ट एडिटिंग में क्या यूज है। अब मैं नोटपैड को क्लोज करता हूं। नोटपैड डायल ऑप्स फॉर और अब मैं फिर से दिस पीसी में जाता हूं और वहां पे देखते हैं कि क्या यूज होगा फाइल एक्सप्लोरर में डिलीट की का। Commit this PC checkbox check 2 of 21. Enter करता हूँ यहाँ पे। File Explorer. This PC items view list folders grouping expanded desktop not selected not checked 1 of 8. Documents में चलते हैं एक बार, यहाँ पे down arrow करता हूँ। Documents check 2 of 8. मैं enter करता हूँ यहाँ पे। Items view list 1,600,000. यहाँ पे down arrow से कोई फाइल या कोई फोल्डर देख लेते हैं पहले। A powers custom up downloaded Kurzweil logic my data sources check 7 of 1 scansoft pdf converter 3.0 check date of 103 sound recordings check clocks.doc 04.docs checked 11 of 1 17 singing tips and tools to him akabaza checked 13 of 1 akibazat amit.xlsx amit's notebook animals name dot assignment of amit coom assignment of f4.pdf check 19 of 1। इस पीडीएफ फाइल के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब डिलीट की का यूज़ हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर आपने देखी। डिलीट की का बेसिकली यूज़ किया है कि जैसे ही किसी फाइल या किसी फोल्डर के ऊपर यानी कर्सर वहाँ पे हो और वहाँ पे आप डिलीट की प्रेस करते हैं वो फाइल डिलीट हो जाएगी, यानी यहाँ से मिट जाएगी फाइल।
जैसे एक PDF फाइल मेरे पास अभी यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ f4.pdf चेक 19 ऑफ 136 असाइनमेंट है एक PDF में जो है ये, इसे मैं डिलीट करके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लेते हैं कि जब हम यहाँ से इसको डिलीट करेंगे तो ये परमानेंट डिलीट नहीं होगा मेरे कंप्यूटर से, ये टेम्परेरी डिलीट होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि हम इसे वापस भी ला सकते हैं। हमारे कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे एक रिसाइकल बिन होता है, उसमें जाके हम इसे वापस भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ और ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा, सॉरी एक फाइल है PDF फाइल, ये डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीट हो चुका है, इसमें कुछ बोलता नहीं है क्योंकि ये टेम्परेरी डिलीट होता है, इसलिए यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन मैसेज भी नहीं आता कि आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। डिलीट की का यूज़ शिफ्ट के साथ भी है, जैसे कि मैं आगे बताऊंगा। तो अब मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पे और वहाँ पे चलते हैं रिसर्च कर्पिल में। Folder view list. This PC checkbox check 2 of 20. Windows D press किया मैंने, आ चुका हूँ डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे R press करता हूँ। R recycle bin checkbox check 3 of 21. Recycle bin आपको मिला। यहाँ पे मैं Enter press करता हूँ। File explorer. Recycle bin. Items view list. Assignment of f4.pdf not selected not checked 1 of 1. यहाँ पे अभी एक ही फाइल है जो कि मैंने अभी अभी डिलीट किया है, यहाँ पे स्पेस करता हूँ। Space selected checked. अब चूंकि मैं इसे वापस लाना चाहता हूं तो इस पे मैं एंटर प्रेस करूंगा। असाइनमेंट ऑफ f4 प्रॉपर्टीज डायलॉग जनरल प्रॉपर्टी पेज असाइनमेंट ऑफ f4 टाइप क्रोम html डॉक्यूमेंट ओरिजिन डॉक्यूमेंट साइज 87.3 KB डिलीटेड सैटरडे June 4th 2022 3:45:43 PM क्रिएटेड ट्यूसडे May 31st 2022 1:33:58 AM एट्रिब्यूट्स रिस्टोर बटन Alt + R। यहाँ पे इस फाइल की पूरी डिटेल यहाँ पे है कि कब क्रिएट हुआ, कौन सी फाइल है, कितनी KB की फाइल है। और यहाँ पे फिर एक ऑप्शन मिल रहा है हमें रिस्टोर बटन, यहाँ पे स्पेस करना है हमें। स्पेस प्रेस्ड अनअवेलेबल। जैसे ही मैंने स्पेस प्रेस किया ये फाइल उसी लोकेशन पे चली गई है जहाँ से ये डिलीट हुई थी। तो हम देख लेते हैं रिसाइकल बिन रिसाइकल असाइन रिसाइकल बिन से मैं बाहर आ चुका हूँ और मैं फिर से जाता हूँ उसी डॉक्यूमेंट वाले फाइल में, सॉरी फोल्डर में। डॉक्यूमेंट्स रो 1 कॉलम डॉक्यूमेंट्स आइटम्स व्यू लिस्ट atm.rt असाइनमेंट ऑफ अमित कुमार सेक a.pdf चेक 18 ऑफ 136 एनिमल्स नेम अमित। यहाँ पे देखते हैं वो फाइल आया है कि नहीं। Assignment of f4.pdf check 136 of 136. तो आप सबने अभी देखा होगा कि यही फाइल थी Assignment of f4. Assignment of f4.pdf check 136 of 136. ये वापस यहाँ पे आ चुका है। Documents में मैं पहले था और यहीं से मैंने इसे डिलीट किया था, वापस ये यहीं पे आ चुका है। तो आप जहाँ से फाइल या फोल्डर डिलीट की के थ्रू डिलीट करेंगे तो उससे आप वापस इस प्रकार से ला सकते हैं। और यही काम आप यदि शिफ्ट डिलीट के साथ करते हैं, यानी शिफ्ट के साथ डिलीट की प्रेस करते हैं, तो आपका जो फाइल या फोल्डर होगा वो परमानेंटली डिलीट होगा। लेकिन उससे पहले आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या ऐसे आप डिलीट करना चाहते हैं, आप श्योर हैं कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं। तो इसी फाइल को मैं परमानेंटली आपको डिलीट करके दिखाता हूं। मैं शिफ्ट के साथ डिलीट की प्रेस करता हूं। Delete file dialog. Are you sure you want to permanently delete this file? Assignment of f4.pdf type. Chrome HTML document size 87.3 KB. Date modified 5/31/2022 1:33 AM. Availability status sync pending. Yes button Alt plus Y. तो यहाँ पे इसकी सारी information है इस file की, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा कि आप sure हैं कि इस file को delete करना चाहते हैं। Yes button पे cursor है, tap करता हूँ मैं।
No button alt plus N. No button. फिर टाइप करता हूँ. Yes button alt plus Y. तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन हैं, यस बटन और नो बटन. यदि मुझे डिलीट करना है तो मैं यस बटन पे स्पेस करूँगा, और यदि मुझे नो करना है तो, यदि नहीं करना है तो मैं नो बटन पे स्पेस करूँगा. तो अभी मैं नहीं करता हूँ, मैं टाइप करता हूँ नो बटन alt plus N. नो बटन है यहाँ पे, मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ. स्पेस डॉक्यूमेंट्स आइटम्स व्यू लिस्ट. तो इस प्रकार से किसी भी फाइल को टेम्परेरी या परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, चाहे वो फाइल हो या कोई फोल्डर हो. यहाँ से मैं बाहर आता हूँ फाइल एक्सप्लोरर से. डेस्कटॉप लिस्ट. एक बात मैं बताना भूल गया था, जो कि आप सबको मैंने पहले ही कहा था, कि जब टेक्स्ट एडिटिंग हम करते हैं उसमें सिलेक्शन टेक्स्ट को डिलीट कैसे करना है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट हैं. मान लीजिए आपने कोई एक पेज टाइप किया है जिसमें चार पैराग्राफ हैं, चार पैराग्राफ में से आपने सेकेंड पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है. तो सेलेक्ट करने के बाद यदि उस सेलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो सही तरीका ये है कि आप डिलीट की प्रेस करेंगे. डिलीट की प्रेस करने पे सेलेक्टेड टेक्स्ट डिलीट हो जाता है. तो कभी भी फॉर्मेटिंग के टाइम जब आप कुछ भी करते हैं और सेलेक्ट ऑल करते हैं, सेलेक्ट ऑल करने के बाद आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि गलती से बैकस्पेस या डिलीट की प्रेस ना हो. यदि ऐसा होता है कि बैकस्पेस की और डिलीट की प्रेस हो जाता है सेलेक्ट ऑल करने के बाद, तो आपका सारा टेक्स्ट मिट जाएगा जो भी आपने लिखा होगा. हालांकि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. यदि गलती से ऐसा हो भी जाता है तो आपके पास एक सॉल्यूशन होता है. कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो अंडू हो जाएगा, यानी जो काम आपने पहले किया था, जो टेक्स्ट आपके पास पहले था, वो वापस आ जाता है. तो डिलीट की का यूज़ और बैकस्पेस की का यूज़ आपने समझा होगा. अब हम बात करते हैं इंसर्ट की के बारे में कि इंसर्ट की का क्या यूज़ है. इंसर्ट की का यूज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने कैप्स लॉक की के बारे में बात की थी, तो आपने समझा होगा कुछ यूज़. इंसर्ट की को हम स्क्रीन रीडर की के रूप में भी जानते हैं, यानी स्क्रीन रीडर की के नाम से भी जानते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंसर्ट जो है वो जॉस के साथ जॉस की, एनवीडीए के साथ एनवीडीए की, और नरेटर के साथ ये नरेटर की बन जाता है. तो इंसर्ट की का यूज़ जो हमने देखा था कैप्स लॉक के टाइम में, जिन्होंने नहीं देखा होगा वे प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें मैंने कैप्स लॉक की का यूज़ बताया है. तो वहाँ पे आप समझ पाएंगे कि इंसर्ट की का बेसिकली यूज़ क्या होता है. इंसर्ट की का यूज़ ज़्यादातर स्क्रीन रीडर के साथ होता है. जैसे अभी मैं NVDA यूज़ कर रहा हूँ तो NVDA के साथ इंसर्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है. शॉर्टकट कमांड्स इसमें होती हैं इंसर्ट के साथ में, और इसीलिए हम इन्हें यानी इंसर्ट की को कमांड की के अंतर्गत भी रखते हैं, या इसे हम हेल्प की के अंतर्गत भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो और कीज़ हैं इनकी मदद करता है, और इनकी मदद से कुछ शॉर्टकट कमांड क्रिएट होते हैं और उससे हम अपने काम को आसानी से कम कर पाते हैं. तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी. तो इंटरमीडिएट कीज़ के बारे में और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन
अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kirolimalcollege@gmail.com amitkumar.kirolimalcollege@gmail.com हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383